最适合是拉丝哈根的，把它夹起来听。हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. गुड मॉर्निंग. अभी टाइम हो रहा है 5:30. बिल्कुल सुबह सुबह मैं उठ गई हूँ ताकि जल्दी जल्दी पूजा हो जाए मेरा. और मेरी मेहंदी का रंग देखो बहुत अच्छा आया है, बहुत अच्छे से रची है मेहंदी. इतना लेट से लगाने के बाद भी मैंने सुबह वॉश कर लिया था, फिर भी अच्छे से हो गया है. और अभी बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल सनलाइट आ रही है एकदम से घर में. अभी अच्छी से पूरी सुबह नहीं हुई है, थोड़ा थोड़ा अंधेरा है ही. ये सनराइज हो रहा है अभी, बहुत ही सुंदर लग रही है. बर्ड्स की जो आवाज़ आती है ना सुबह सुबह, बहुत अच्छा लगता है सीरियसली. में मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा है, ठंडा ठंडा हवा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है. वो दिन आ गया है, आज है वट सावित्री, वरसाइत छे आए तो का ये ब्लॉग वीडियो है. फटाफट से बालकनी को साफ कर लेती हूँ मैं, क्योंकि मेरे को पूजा बालकनी में ही करना है. और मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ. मैं सुबह सुबह इसलिए कर रही हूँ जल्दी जल्दी ताकि मेरी बेटी सो रही है तो डिस्टर्बेंस थोड़ा कम हो, वरना वो उठ जाएगी तो वो बहुत तंग करेगी, बहुत परेशान करेगी. तो अब मैं थोड़ा रेडी हो रही हूँ. साड़ी वाड़ी सब मैंने पहन लिया, बस मुझे थोड़ा मेकअप करना है और मुझे ज्वेलरी पहनना है और बाकी ऑल सेट. फिर पूजा होगा, सब हो रहा है फास्ट फास्ट स्पीड से. अब तैयार होने के बाद मैंने बताया था ना ये अर्पण रखते हैं पहले, फिर उसके बाद ही पूजा स्टार्ट होगा. तो मैंने ये कल जो मैंने चावल फुलाया था उसको पीस करके पिठार बनाया है. उसको मैं पहले रंगोली जैसा कोई भी डिज़ाइन, फूल जैसा कुछ बना देना है. उसके बाद वहाँ पे गमला डाल के फिर उस पौधे को लगा रही हूँ मैं गमले में, जिसमें मैं पूजा करूँगी. और ये सारा सामान भी उसके साथ ही रख दिया है, केले का पत्ता. और ये पौधा अभी अभी लेकर आए थे सुबह में, शाम को नहीं लेकर आए क्योंकि एक तो लेट हो गया था, ऊपर से शाम को लाने से मुझे लगा मुरझा जाएगा, इसलिए मैंने सुबह में तोड़ के लाया. तो अभी बस गमले में लगा दिया है. पूजा करने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हो गई हूँ, बाकी ज्वेलरीज वगैरह भी पहन लिया है और अब करेंगे पूजा. आज के दिन जितनी भी मैरिड वुमेन होती है, जो भी ये पूजा करते हैं, उन सबको आज 16 श्रृंगार करना होता है. पूरा अच्छे से न्यूली मैरिड की तरह तैयार होना होता है, सारे के सारे श्रृंगार करके, जो भी ज्वेलरीज वगैरह होता है और जो भी तैयार होना होता है. आलता लगाओ, नेल पेंट लगाओ, मेहंदी लगाओ, बिल्कुल जैसे कि शादी में तैयार होते हैं ना, उस तरह से तैयार होके अच्छे से पूजा करना होता है. ये पे न्यू है उनको मैं बोल देती हूँ कि सब्सक्राइब कर देना चैनल को और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए. अब हो गई हूँ मैं पूरी रेडी, तो अब चलते हैं पूजा करने के लिए. तो सबसे पहले एक पत्ता बालों में लगा लेते हैं. जिन्हें इस पूजा के बारे में नहीं पता है उनको मैं बता देती हूँ, ये मिथिला का बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल पूजा माना जाता है, जो हर मैरिड वुमेन जो है वो अपने हस्बैंड के लिए करती हैं. और जो फर्स्ट टाइम पूजा करते हैं, मतलब जो न्यूली मैरिड होते हैं, उनका फर्स्ट वट सावित्री होता है, वो बहुत ज़्यादा धूमधाम से करते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें विधि सब होती हैं. तो एक पत्ता बालों में लगा लेने के बाद में सभी पे पिठार और सिंदूर लगाते हैं, जैसे कि पौधे में और केले का पत्ता और पंखा सब पे, और आम पे भी लगाते हैं जिससे हम पूजा करेंगे बाद में. और उसके बाद में केले का पत्ता तोड़ के जहाँ पे पूजा करना तो वहाँ पे रखते हैं. और तीन चार जगह पे पूजा करते हैं, गणेश जी का, नाग नागिन का, सत्यवान सावित्री, शिव जी, पार्वती, ऐसे तीन तीन चार चार जगह बना के पूजा करते हैं. और उनको अक्षत, मौली, धूप, अगरबत्ती सब दिखाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं और फूल. और उसके बाद गौरी पूजा जाता है. आप सभी को तो पता ही होगा, जो लोग बिहार से हैं, मिथिला से, वो गौरी पूजा के बारे में जानते होंगे कितना इम्पोर्टेंट है ये गौरी पूजा. और बाकी सब पूजा होने के बाद में ये आम जिसपे पिठार लगाया था पहले, सिंदूर लगाया था, उसको लेके परिक्रमा करते हैं, मतलब तीन बार घूमते हैं और जल डालते हुए घूमना होता है. और ये आम ये होता है ना, बेसिकली बस एक हस्बैंड को ही खाना होता है, बच्चा नहीं खा सकता और मैं भी नहीं खा सकती हूँ, हस्बैंड भी खाएंगे. तीन बार घूमने के बाद उस आम को वहीं पे रख देंगे, उसको बाद में उठा लेंगे. फिर उसके बाद में मोली लेके धागे से घूमेंगे तीन बार लपेटते हुए, पेड़ को बांधना होता है और इसको भी तीन बार जल डालते हुए घूमना है.
बेसिकली जो भी ये हो रहा है सब कुछ हस्बैंड के लिए है। ये फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है मिथिला का, जो हर एक मैरिड वुमेन करती ही करती है, बहुत ही ज्यादा अच्छे से मन से। परिक्रमा करने के बाद में फिर पंखा करेंगे उसी तरीके से घूम घूम के, और फिर उसके बाद में गले मिलेंगे। तो पहले मैं पंखा कर रही हूँ, इसको भी घूमते हुए ही करना है, उल्टे हाथ से करना है, लेफ्ट, हाँ लेफ्ट हैंड से। तीन बार घुमा जाता है, पंखा हो गया। और अब उसके बाद में एक पत्ता तोड़ के तो माथे में लगाया था, और एक पत्ता फिर से तोड़ के उसको एक आगे की तरफ फेंकते हैं और एक पीछे की तरफ फेंकते हैं, जो और एक मंत्र बोलते हैं, बोर लिया मोर दिया। और ऐसे करते तीन तीन बार पत्ता खोदते हैं और उसको करते हैं। और अब सब हो गया है पूजा, लास्ट में मेरी बेटी भी उठ गई है साथ के साथ, तो वो फोन को इधर उधर छेड़ रही है और उसको लग रहा है मैं क्या कर रही हूँ, तो मुझे बाबा अपने पास बुला रही है, डांस कर रही है साथ के साथ। अब ये प्रसाद उस रख रही हूँ मैं, और प्रसाद में तो दिखाया था मैंने कल के वीडियो में कि क्या सब लिया था, सीजनल फ्रूट्स वगैरह लेते हैं, और चना जो होता है वो कंपलसरी होता है, वो तो लेना ही है। अब कथा होगा, तो कथा वाली बुक है मेरे पास, वो कथा पढ़ रही हूँ मैं, सत्यवान सावित्री की। कथा के बाद में ये पूजा संपन्न होता है, तो एक बार फिर से आप सभी को वट सावित्री की बहुत सारी शुभकामनाएं। यहाँ पूजा होने के बाद में फिर हस्बैंड को मोली बांधेंगे, टीका करेंगे, उनकी आरती, पंखा और उनके पैर छुएंगे, आशीर्वाद लेंगे। हमारे में जैसे इसको वट सावित्री बोलते हैं, वैसे कई जगह पे इसको सावित्री पूजा भी बोलते हैं। सभी जगह पे बस नाम अलग होते हैं, लेकिन तरीका सब एक ही होता है, कम थोड़ा बहुत मिलता जुलता सा। ये जो पूजा है एक सिंबल है आई थिंक लव एंड केयर का, जो हर मैरिड वुमन करती है अपने हस्बैंड के लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो कि मैंने कैसे सेलिब्रेट किया वट सावित्री पूजा अपने घर पे। खुश रहो, सदा सुहागन रहो, बहुत पैसा रखना, भर लेना पड़े। सो गाइस, ये था मेरा आज वट सावित्री व्रत का थोड़ा सा छोटा सा ब्लॉग, और बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा था वो साड़ी और वो बैंगल्स, तो मैंने बैंगल्स को चेंज कर दिए, कल के बैंगल्स पहन रही हैं, और वो साड़ी भी सबकी बहुत ज़्यादा हैवी लग रही थी, क्योंकि गर्मी इतनी लग रही थी, फिर उनको कैरी करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैंने ये थोड़ी लाइट वेट साड़ी है वो डाली है, और उनके वगैरह सब भी चेंज कर लिया हल्की फुल्की से। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको मेक श्योर कि सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और एक लाइक कर देना। तब तक के लिए बाय, और मेरी मेहंदी कैसी लग रही है बताना मुझे, अच्छी लगी है, अच्छी लगाई है मेरे हस्बैंड ने, बिल्कुल डार्क कलर आया है।